वेलकम टू सोशल। व्हेन इट कम्स टू बायोपिक्स, शायद बॉलीवुड में सबसे अलग तरह की बायोपिक्स बनती हैं। हॉलीवुड में दे यूजुअली मेक बायोपिक्स ऑन द लेजेंड्स दैट आर नो मोर, और बॉलीवुड में ज्यादातर वी मेक बायोपिक्स ऑन अ लिविंग पर्सनालिटीज। एमएस धोनी डी अनटोल्ड स्टोरी और दंगल इस चीज का प्राइम एग्जाम्पल है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वीक्स रिव्यू, साइना एज यू ऑल नो इज अ बायोपिक ऑफ साइना नेहवाल, जो वर्ल्ड की नंबर वन रैंक बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं। ऑनेस्टली अ पर्सन लाइक हर डिजर्व्स अ बायोपिक, एंड लेट्स सी इफ अमोल गुप्ते डायरेक्टेड साइना वाज अ वर्थी बायोपिक और नॉट। ऑल्सो अगर आप मेरी वॉइस फर्स्ट टाइम इस चैनल पे सुन रहे हैं, देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वी और मैं टीम सोशल में एज अ राइटर कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं टोटली एक फिल्म बफ हूँ, सो मुझसे बाकी यूट्यूबर्स की तरह रोस्टिंग या टॉक्सिक रिव्यूइंग नहीं होती है। सो आई होप यू लाइक माई सिंपल स्टाइल ऑफ रिव्यूइंग फिल्म्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू साइना, जहां हम फिल्म के कई एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और फिल्म के वीक पॉइंट्स क्या है, फिल्म में परिणीति चोपड़ा की परफॉर्मेंस कैसी रही है और फिल्म को हमने कितनी रेटिंग दी है। दिस इज अ नॉन स्पॉइलर रिव्यू, सो आप इस रिव्यू को एक रिकमेंडेशन और एनालिसिस के तौर पर भी देख सकते हैं। फिल्म की स्टोरी, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द स्टोरी, क्योंकि वो वही है जो आपको ट्रेलर में देखने को मिलती है। परिणीति चोपड़ा साइना नेहवाल का रोल प्ले करती हैं, जहां उनकी पूरी लाइफ की जर्नी इस फिल्म के थ्रू दिखाई गई है। साइना कैसे बैडमिंटन के स्पोर्ट्स में आती है और कौन लोग थे जिन्होंने साइना को ट्रेन करके नंबर वन बनाया, ये सभी एस्पेक्ट्स फिल्म में कवर किए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। नंबर वन, लिटिल साइना। फिल्म के अर्ली लाइफ फेज में जो चाइल्ड एक्टर साइना का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। इनका नाम नाइशा कौर है और रियल लाइफ में भी एक बैडमिंटन चैंपियन है। आई मीन वाइल वॉचिंग दिस फिल्म आई वॉज जस्ट अमेज बाय हर स्क्रीन प्रेजेंस। नाइशा नेचुरली कोई एक्टर नहीं है और ना फिल्म में उनके कोई ज्यादा डायलॉग्स हैं, पर फिर भी शी मेक्स यू फील साइना नेहवाल मोर देन व्हाट परिणीति डज। इसके अलावा फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे साइना और उनके कोच के सीन्स में लगता है। कोच का कैरेक्टर फुलेला गोपीचंद पे बेस्ड है, पर फिल्म में ये कैरेक्टर राजन के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मानव कौल इस रोल में स्टैंड आउट करते हैं और उनकी एक्टिंग देखते हुए लग रहा होता है दैट एटलीस्ट ही अंडरस्टैंड्स हिज कैरेक्टर प्रीटी वेल। ऑल्सो अ स्पेशल मेंशन टू मेघना मलिक, जिन्होंने साइना की मदर का रोल प्ले किया है। उनकी परफॉर्मेंस को भी फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में गिना जा सकता है। Now let's talk about a weak point. Parineeti feels like Parineeti, not Saina. Sometimes I really think कि फिल्म बनाने के लिए इतने सारे लोगों की टीम लगती है, पर फिर भी कैसे वो ये नहीं नोटिस कर पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर स्क्रीन पर रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं। ऑनेस्टली किसी के वर्क को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है क्योंकि हम फिल्म को एज अ व्यूअर देखते हैं, पर सिंस ये फिल्म एक बायोपिक है तो मेकर्स को भी आइडिया होना चाहिए था कि सभी लोग परिणीति का कंपैरिजन साइना से करने वाले हैं। फिल्म में परिणीति ने शायद अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा, पर वो स्क्रीन पे साइना नेहवाल की फील ही नहीं दे पाती हैं। मेकअप से लेके जेस्चर्स तक, हर जगह उन्होंने साइना जैसे लगने की कोशिश की है, पर एक्टिंग वाइज देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। ऑल्सो आई नोटिस कि फिल्म में उनके फेस का मोल कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा। सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस होल मोल फैसिनेशन अबाउट। आई थिंक इससे अच्छा मेकर्स अगर एक्टिंग पे इतनी डिटेलिंग दे देते तो शायद ये फिल्म और बेटर हो जाती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन बेटर। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कहूंगा, द होल फिल्म। यस, यू हर्ड इट राइट, पूरी की पूरी फिल्म की एग्जीक्यूशन बेटर हो सकती थी। इट्स नॉट अ बैड फिल्म एट ऑल, बट इट्स नॉट द बेस्ट फिल्म एन आइकन लाइक साइना नेहवाल डिजर्व्स। फिल्म का नाम साइना के बजाय श्रुति, श्रेया, श्रद्धा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि फिल्म की कहानी कहीं से भी बायोपिक नहीं लगती है। जितना आप साइना के बारे में जनरली जानते हैं वही सब आपको फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म से आप गूसबम मोमेंट्स, इंस्पिरेशनल टॉक्स, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, दंगल एंड इवन जो जीता वही सिकंदर जैसी क्लासिक्स में आपको देखने को मिलता है, पर वहीं साइना में ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन के नाम पे ऑल यू गेट इन दिस फिल्म इज अ क्यूक्यूम्बर। Yes, you heard it right, a cucumber. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में साइना को कोई कहता है कि लाइफ इज लाइक अ cucumber. सो नाउ लेट्स गो एंड प्ले। सो एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर रेटिंग, मासी एंड क्लासी। वेल, आई थॉट मासी ऑडियंस के लिए तो फिल्म में बहुत कुछ होगा जिससे फिल्म देख के थिएटर में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आने वाला है। मूवी देखने से पहले आई थॉट कि मासी रेटिंग इजीली मैं 3 स्टार्स तो दे दूंगा, बट सैडली फिल्म में उतना कुछ मासी है ही नहीं। सो विद अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आई एम गोइंग टू गिव दिस फिल्म 2.5 स्टार एज अ मासी रेटिंग। नाउ द क्लासी रेटिंग फॉर साइना विल बी 2 स्टार्स, 1 स्टार फॉर मानव कौल and 1 star for other performances and some narrative about badminton. But overall, this film could have been better all the way. So that's why I'm giving 2 star as a classy rating. तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।